गाय माता मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बुरी स्थिति में, और इसका परिणाम है कि पूरे देश के अंदर जो गाय की दुर्दशा हो रही है उससे ज्यादा कहीं मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है। कनक जिला इसका पुरजोर विरोध करती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कई बार बात करने का प्रयास किया गया कि उत्तर प्रदेश जैसा कानून मध्य प्रदेश में लागू किया जाए, लेकिन इनके कान में जू नहीं रह रही है। बजरंग सेना आप चुप नहीं बैठेगी। गौ माता के लिए बजरंग सेना ने मैदान में आने का निर्णय कर लिया है। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया है कि इन सभी चुनाव का में बजरंग सेना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का खुलकर विरोध करेगी। भाव अंतर की राशि किसानों की पैसा कहाँ है? शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री जी बताएं, किसानों की भावांतर राशि का 2019 का पैसा किसानों को मिलना चाहिए। इसको लेकर भी बजरंग सेना आंदोलन करेगी। आपके विधानसभा क्षेत्र बक्सरा क्षेत्र के 80 गांव में, जिसमें सहायगंज से बाली के इलाके के बीच के किसानों के गांव है, वहां के किसानों को धान खरीदी करने की जो कंपनी आई है उसे कुछ चंद व्यापारी डरा कर भगा रहे हैं। उनको किसका संरक्षण है? उन किसानों को लाभ क्यों नहीं होने दिया जा रहा है? इन सब बातों के विरोध में बजरंग सेना ने मैदान में आने का निर्णय कर लिया है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में यदि गौ रक्षा कानून लागू नहीं किया जाता तो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों का हम लोग खुलकर विरोध करेंगे। बजरंग सेना